बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मैं मुआलज हकीम मोहम्मद मानत अली मुगल, जो कि गुज़श्ता कई सालों से हिकमत की फील्ड में काम कर रहा हूँ, और हमारे दवाखाने का नाम अल शफा दवाखाना है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन दबा दें, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज हम एक नया नुस्खा लेकर हाजिर खिदमत हैं, जिसका नाम है गर्मी तोड़। इसके इस्तेमाल से मौसम गर्मा की शिद्दत हरारत को तस्कीन देने के लिए एक नहायत ही आला दर्जे की शय है, जिसके फवायद इसके इस्तेमाल पर ही वाजा हो सकते हैं। गर्मी की वजह से तबीयत का मतलाना, अबकाएँ, प्यास की शिद्दत वगैरह तमाम आरज़ा इसके इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। दिल की घबराहट, दिल का धड़कना वगैरह शिकायात के लिए भी नहायत ही मुफीद है, और साथ साथ मैदे को तकवीत बख्शने के लिए एक अच्छी चीज़ है। दस्तों की शिकायत में इसके इस्तेमाल से बहुत काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर दस्त मैदे की कमज़ोरी से आते हों तो और भी जल्द फ़ायदा होता है। खून ख्वा किसी रास्ते से आता हो, इस शरबत के इस्तेमाल से बंद हो जाता है। खूनी दस्तों में इसे इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है, और साथ साथ ये शरबत दर्द जिगर, दर्द शगम और दर्द रहम और मसाने के अदाला के लिए मुफीद हैं। इसके अज़ा ये हैं, तुखम खरबूजा और तुखम खीरा और गुल नीलोफार और संदल सफ़ैद, लाची खुर्द, सौंफ, ये पांच अज्ज़ा हैं। इसको आपने 2 किलो पानी में भिगो देना है, और 12 घंटे भिगो के रखने के बाद इसको इतना जोश दें कि 1 किलो पानी रह जाए, और इसमें 1 किलो चीनी मिलाकर फिर दोबारा शरबत तैयार करें। खुराक शरबत इस्तेमाल, 50 ग्राम शरबत 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह और शाम इस्तेमाल करें। शुक्रिया, वस्सलाम।